राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं परवल की सब्जी हलवा स्टाइल में। ये देखिए, हमने परवल ले लिए हैं, आलू, प्याज, टमाटर, अब हम अदरक, लहसुन, अब हम लहसुन टमाटर छीलेंगे, पानी में धो लिया है। ये देखिए आलुओं का हमने आलू छीले हैं इस तरह से, इस तरह साथ ही साथ परवल को भी छीलेंगे। देखिए कुछ इस तरह सारे परवल हम अच्छे से छीलेंगे। ये देखिए, सारे परवल और आलू को छील लेंगे, सारे परवल और आलू को छील लेंगे। देखिए अब इनको अच्छी तरह धो लेंगे। और साथ में प्याज है उसको काट लिया हमने छोटे टुकड़ों में, कुछ इस तरह काट लेंगे प्याज को। साथ टमाटर भी काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, काट लेंगे कुछ इस तरह। अब अदरक को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, साथ ही हरी मिर्चों को भी छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हमारे हरी सारे मसाले कट चुके हैं। अभी देखिए हम परवल को काट लेंगे, कुछ इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लेंगे इनको। ये देखिए सारे परवल को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलूओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब देखिए मिक्सी में हम टमाटर, हरी मिर्च, जीरा, साबुत धनिया, प्याज, टमाटर, लहसुन सब को पीस लेंगे। ये देखिए थोड़ी दो काली मिर्च, एक लौंग, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची। अभी देखिए हम परवल को अच्छी तरह धो लेंगे और साथ में आलूओं को भी अच्छी तरह धो लेंगे। ये देखिए हमने परवल को धो लिया अच्छी तरह से, उसमें अब थोड़ा नमक डाल देंगे परवल और आलू में। ये देखिए साथ ही साथ हल्दी और मिला लेंगे, हल्दी और परवल की तरह मिले हुए आलू को हम तल लेंगे सरसों के तेल में। हमारे आलू अच्छी तरह तले जा रहे हैं, अब इनको निकाल लेंगे। ये देखिए हमने तले हुए आलू निकाल लिए हैं। अब हमने परवल डाल दिए हैं परवल तलने के लिए, परवल भी अच्छी तरह तल जाएंगे। अब हमने इसमें आलू भी डाल दिया दोबारा तलने के लिए। ये देखिए दोनों साथ मिला के तल रहे हैं हम। हमारे आलू और परवल अच्छी तरह तल गए हैं। ये देखिए हम निकाल लेंगे इनको कुछ इस तरह। हमने तड़के के लिए जीरा लिया है, कुछ कच्ची प्याज डाली कटी हुई। ये देखिए साथ में तेज पत्ता तोड़ के डाल दिया है। ये हमने जो मसाला पीसा था वो भी इसमें डाल दिया तलने के लिए, अच्छी तरह भुन जाएगा। देखिए कुछ इस तरह। अब इसमें धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हमने डाल दिया है, साथ ही नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे।
ये है हमारा चाट, वो चिकन मसाला। अब भुने हुए सब्जी हम इसमें डाल देंगे, जो हमने फ्राई करी थी सब्जी परवल और आलू वो इसमें हमने डाल दिया है। साथ में हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, ये देखिए, ताकि कलर अच्छा आ जाए। अभी हमने इसमें पानी डाल दिया है, अब पानी डालने के बाद इसे अच्छे से ढक के रख देंगे। ये देखिए हमारी परवल और आलू की सब्जी अच्छी तरह बन के तैयार हो गई है, देखिए कुछ इस तरह तैयार हो गई, खाने के लिए तैयार है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी लजीज सब्जी बनी है, ये देखिए। बहुत अच्छी सब्जी बनी है, लाजवाब, आप भी बनाएं, खाएं और खिलाएं। ये देखिए आलू और परवल के छिलकों की सब्जी, दोनों सब्जियां बहुत